एक लल टेना का प्लांट है येलो कलर का। अब इसको थोड़ा सा रिपोर्ट कर दें। देखिए इस छोटे से गमले में लगा था लेकिन थोड़ा सा डोरमेंसी में है। मैं इसको ऐसे ही जल्दी से रिपोर्ट कर देता हूँ। ये भी बहुत डेलिकेट, वैसे तो बहुत हार्डी है लेकिन जब ये डोरमेंसी में होता है और ख़ासकर जनवरी टू फरवरी मार्च में ये बहुत डेलिकेट कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे समय पे इसको रिपोर्ट करना थोड़ा ख़तरनाक रहता है लेकिन फिर भी लेटेस्ट ट्राई। और इसको हमने इसीलिए इसके रूट बॉल को बिल्कुल छोड़ा नहीं है ज़्यादा, और इसको थोड़े से बड़े गमले में देंगे और मिट्टी के गमले में देंगे। इसको थोड़ी सी कटिंग भी मैंने इससे कर दी इसकी, थोड़ी ये इससे थोड़ी कटिंग कर दी। थोड़ा ये देखिए ये निकल के आए, मैंने कहा वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करूँ। लल टेना है येलो, तो अब हमने इसमें फंगीसाइड ही मिला दिया है और साफ है ऐसे, लेकिन साफ भी ठीक ही फंगीसाइड है, अच्छा फंगीसाइड है। कोशिश करते हैं कि इसको हम इस गमले में लगाते हैं। मिट्टी गमला है और हमने इसमें मिट्टी तैयार की है, मोरंग ज़्यादा डाल रखी है इसमें मैंने थोड़ी, जिसमें कि इसका ज़्यादा बस थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। इसको ऐसे जो है हम डाल देंगे, इसको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये ख़तरनाक मामला, पिछली बार मेरा नुकसान हो गया था, बहुत बड़ा पौधा था मेरे पास लेकिन जो है वो रिपोर्टिंग के बाद चला नहीं। तो इस बार थोड़ा सा, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग ज़रा सी भी ज़्यादा रूट बॉल्स की डैमेज कर दो डोरमेंसी पीरियड में, अच्छा इसको ज़रूरी इसलिए कि आज बरसात हुई, कल बरसात हुई थी, तो मैंने कहा ला इसको देखे जरा चला के थोड़ी मिट्टी डाल दी। अरे बढ़िया सेट हो गया इसमें, अब इसमें हम इसको लगा देंगे। थोड़ी सी कटिंग कर दी, ज़्यादा नहीं कटिंग करी, और इसमें पानी नहीं डालूँगा आज क्योंकि मिट्टी वैसे भी हल्की सी गीली ही है। देखिए देख रहे हैं ना, बस बढ़िया सी इसमें यह है। बढ़िया हो गया, देखिए चकाचक। अब बस मैं इसको बिना किसी उसके बिना पानी डाले रख दूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी बहुत है। जब दो तीन दिन बाद जब ये थोड़ा सेट होगा, क्योंकि मैंने इसकी रूट बॉल छेड़ी नहीं है थोड़ा सा, अच्छा मौसम बहुत ठंडा है तो इस समय भी इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। देखिए आपको पौधे की तकलीफ़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये डोरमेंसी में है और ज़्यादा इसको हम पंगा करेंगे तो ये जो है मर सकता है, या ज़्यादा पानी डाल देंगे। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो इसकी मृत्यु हो सकती है, मतलब ये डेड हो जाएगा। इस तरह से ललटेना का हमने, ये ललटेना येलो है, बहुत खूबसूरत हो जब फ्लावरिंग आती है गर्मियों में बहुत खूब। अच्छा हाँ मैं भूल गया, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये राम की बगिया चैनल है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। कोशिश कर रहे हैं जो भी मिलता है वो हम डेली बना देते हैं। लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।